आज हम आपके सामने उपस्थित हैं पार्ट नंबर 4 को लेकर के। पार्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि पहले हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया कि कैसे हम त्रिभुज के अलग अलग टाइप को कैसे हम उसमें से ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर की शेप में हो, मतलब वर्ग की शेप में हो, चाहे किसी भी शेप में आपकी आ जाए। अब हम डिस्कस करेंगे ये वाला जो टाइप है ना, इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें से हम ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अभी ट्रायंगल पे चल रहे हैं, उसके बाद हम स्क्वायर पे, उसके बाद वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आयत मतलब हम रेक्टेंगल, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है। और लेटेस्ट क्वेश्चंस दो DSSB चंडीगढ़, PTET, UPTET, KVS, NVS में आए हुए हैं या CGL में आए हुए हैं। कई क्वेश्चंस मैंने लेटेस्ट उसमें से लिए हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, उनमें से वो क्वेश्चनों पे भी चर्चा करेंगे और इसी मेथड से उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली 3 वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 पे आज बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या रहेगा, टाइप आपका 4 रहेगा। 3 टाइप हमने पहले डिस्कस इस वीडियो में किए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपकी कोई भी फिगर आती है उसमें वो पूछता है कि आपको कितनी ट्रायंगल नजर आ रही है, मतलब कितनी आपको त्रिभुज नजर आ रही है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम अगर गिनने जाएंगे, पहले ट्रायंगल ये वाली है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं, अठारहवीं, उन्नीसवीं, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, और फिर इन दोनों को मिलाएंगे तब बड़ी कोई ट्रायंगल बन रही होगी, इसको मिला लेंगे तब कोई बड़ी ट्रायंगल हमारे को नजर आ रही होगी। तो इस टाइप से हम जाएंगे ना, हमारा टाइम काफी लग जाएगा और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि कितनी ट्रायंगल है। एक भी अगर ट्रायंगल आपकी मिस हुई तो आपका आंसर निकल जाओगे, आपका आंसर मतलब नहीं निकलेगा, तो उसके बाद आपको जो है ना उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, एक ट्रिक है आपकी, अगर आपके पास इससे भी बड़ी ट्रायंगल आ जाती है, कुछ भी बीच में लगा होता है, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इफ एन इज ओड, ओड का मतलब होता है विषम, अगर आपके पास एन कोई भी विषम संख्या है, देन तब आप क्या करेंगे, एन मतलब क्या है, आप क्या करो इस ट्रायंगल में ना 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से लिख लो, जितना भी लिखा जाता है, अगर बड़ा है तो बड़ा भी लिखा जाएगा, छोटा है तो 4 तक भी हो सकता है, 3 तक भी हो सकता है, 2 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, ये फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस टू, ठीक है, इंटू में 2n+1, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट माइनस में 1 अपॉन में आपका क्या है 8, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, n क्या रहेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो सबसे बड़ा होगा ना वही आपका n रहेगा। इसमें 5 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5, n प्लस 2 है, 5 प्लस 2 मतलब 7, 2n+1 मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस क्या है हमारे पास 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 535 × 11 - 1 तो हमारे पास आ जाएगा 384, अपॉन में क्या है हमारे पास नीचे क्या है 8, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। तो इस टाइप से जब भी आपकी कोई ट्रायंगल दी हो तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना है और अपना आंसर निकाल देना है। ये तो था एन अगर विषम है, मतलब ओड है, अगर इवन आ जाता है तो आपको अलग, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका इवन आ जाता है, इवन मतलब जैसे इवन होते हैं 2, 4, 6, 8, जो भी 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 से भाग होते हैं, उन्हें हम इवन कहते हैं, मतलब सम संख्याएं, ठीक है। ये कोर्स बाइलिंगुअल है इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 4 सबसे बड़ा है, 4 क्या इवन है या ओड है, हमारे पास इवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, एन इंटू एन प्लस 2, 2n+1 अपॉन में 8, एन इंटू एन प्लस 2, 2n+1 अपॉन में 8। ऊपर वाले में क्या था, एन इंटू एन प्लस 2, 2n+1, ये तो बिल्कुल सेम ही है हमारा यहाँ तक, तो बस इसमें 1 माइनस नहीं करना, ठीक है। ओड आ जाए तो 1 माइनस करना है, इवन आ जाए तो 1 माइनस नहीं करना, बाकी आपका फॉर्मूला सारा सेम रहेगा। 4 आपका सबसे बड़ा है तो एन को 4 पुट कर दीजिए, 4 और 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 दुनिया 8 और 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, अपॉन में 8 तो लगा ही हुआ है, 2 चौके 8 ये कट जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, 3 × 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा था टाइप 4, तो मैंने सोचा इस टाइप को भी आपको करवा दिया जाए, तो सारे टाइप जो होंगे इस सारे कोर्स में आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से ही सवाल आता है बस, मतलब ये वाला जो टाइप है ना 4, इसमें सिर्फ इसी में ऐसे ही समझते हैं कि या तो ओड होगा या इवन होगा, मतलब या विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी, आप कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो मैंने ज्यादा इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किए, तो आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर यही ट्रायंगल आपकी बनी हुई है और 6 की आप बना लेते हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये टाइप है ना जो अलग से डिस्कस किया है, तो इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आता। बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो यही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 तक आ सकता है, तो 10 तक भी आएगा तो आपका सम में आ जाएगा, 11 आएगा तो आपका फिर विषम में आ जाएगा। तो इन दो फॉर्मूलों के इर्द गिर्द ही आपके ये क्वेश्चन घूमते रहेंगे, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बड़ा कितना बड़ा आएगा, इससे क्वेश्चन बड़ा होगा बट फॉर्मूला इससे तो बड़ा नहीं होगा ना, तो फॉर्मूला तो यही आपका रहेगा, तो आप आसानी से इसमें दोनों में पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें, बताएं हमें कैसी लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ और क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत है तो हम उसको भी ऐड करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो टाइप नंबर 5 की पे बात करेंगे, पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।